एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, एफ एक्स को वाई मान लेंगे, वाई इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए वन इधर जाएगा तो वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स एक्स। जस्ट पीछे वाले वीडियो में आपको y इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ बताया गया कि y इक्वल टू का ये ग्राफ हो। अब इस ग्राफ को देखते हुए इस ग्राफ को खींचना, देखिए इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन दोनों में अंतर है, यहां पर लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर और यहां है y माइनस वन इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर। कि y इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर के ग्राफ में यहां पर माइनस वन घटा लिया जाए y माइनस वन इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर। इस ग्राफ में और इस ग्राफ में अंतर यह होगा कि y में वन घट रहा है तो ये ओरिजिन पर था, ये ऊपर आ गया। ये हो गया y माइनस वन का, y माइनस वन इक्वल टू। अब इसका डोमेन लिखना है, आप ध्यान से देखेंगे कि चूंकि ये फंक्शन पॉलिनोमियल है इसलिए इसका डोमेन आ गया और रियल, लेकिन रेंज देखना है तो रेंज आप ग्राफ को देख करके रेंज बता सकते हैं कि वाई का जो वैल्यू है, इस वाई का वैल्यू, इस वाई का वैल्यू वन से नीचे नहीं, वाई का वैल्यू वन से नीचे नहीं है, मतलब वाई का मिनिमम वैल्यू वन है या फिर वाई का वैल्यू वन से बड़ा है। तो इसका जब आप रेंज लिखेंगे वाई का वैल्यू वन या वन से बड़ा, वन पर क्लोज इंटरवल है तो रेंज हो जाएगा वन से इंफिनिटी। अब दूसरा सवाल है वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू प्लस टू, इसका फिर से डोमेन बताना है, रेंज बताना है और इसका ग्राफ खींचना है। कोई भी फंक्शन का ग्राफ खींचना हो तो यहां जो एफ एक्स लिखा हुआ है इसको वाई मान लो, तो वाई इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा, दो इधर आएगा वाई माइनस टू इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर। अब आपको ग्राफ खींचना, देखिए ये ग्राफ है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर खींचे हैं तो ये ग्राफ वन यूनिट ऊपर गया है। यदि वाई माइनस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचेंगे ये ग्राफ टू यूनिट ऊपर जाएगा, मतलब वाई माइनस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा तो इस नेचर का होगा। ये पॉइंट हो गया जीरो टू, अब इसका डोमेन बताना है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन डोमेन आ होगा, इसका रेंज बताना है, इसका रेंज टू टू इंफिनिटी होगा, इसका रेंज टू टू इंफिनिटी होगा और इसका ग्राफ होगा। तो देखिए पहला सवाल था कि वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन का बताना था, ग्राफ कितना था, डोमेन बताना था, रेंज बताना था,
सेकंड सवाल है f(x) = x स्क्वायर प्लस 2 का डोमेन बताना है, रेंज बताना है और ग्राफ लिखना है। तीसरे नंबर सवाल है तीसरा नंबर f(x) = x स्क्वायर माइनस 3, इसे f(x) को y मान लें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, y में घटाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, y में घटाते हैं तो ग्राफ ऊपर जाता है, मतलब y माइनस वन का ग्राफ कितना होगा तो ये वन यूनिट ऊपर जाएगा, यदि y माइनस टू का ग्राफ कितना होगा ये टू यूनिट ऊपर जाएगा, लेकिन यदि y प्लस वन का ग्राफ कितना होगा तो ये ग्राफ यहाँ से ये पॉइंट ऊपर नहीं जा करके नीचे खसकेगा और उतना ही खसकेगा जितना आप जोड़ रहे हैं। जैसे y प्लस वन यहाँ रहता, y प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहता, ये वन यूनिट नीचे आता, y प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कितना होगा वन यूनिट नीचे आता, y प्लस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कितना रहता टू यूनिट नीचे आता, y प्लस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कितना है तो ये जो ग्राफ होगा वो थ्री यूनिट नीचे आएगा। जीरो टू माइनस अब आपसे पूछा जाए कि इस फंक्शन का डोमेन बताइए, क्योंकि डोमेन बताना है तो डोमेन इसका आर होगा, आर इसलिए होगा कि फंक्शन जो है वो क्या है पॉलीनोमियल फंक्शन। फंक्शन का डोमेन आ रहा है, ये जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन होगा उसका डोमेन आ रहा है, रेंज बताना है। तो मैंने आपको बताया था यदि किसी भी फंक्शन का रेंज बताना है तो ग्राफ को देखें और ग्राफ देखिए, ग्राफ जो है उसका वाई का मिनिमम है माइनस थ्री है और माइनस थ्री से ऊपर गया है माइनस थ्री से नीचे नहीं गया है, इसलिए इस फंक्शन का जो रेंज होगा माइनस थ्री के बराबर होगा या माइनस थ्री से बड़ा होगा, मतलब माइनस थ्री से लेकर के वाई का वैल्यू प्लस इनफिनिटी तक। फोर्थ नंबर सवाल है कि fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ कितना है, fx को y मान लेंगे, y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4, 4 इधर आएगा y प्लस 4 इक्वल टू x स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया कि y में जोड़ने पर ओरिजिनल पॉइंट था ये खसक करके नीचे आएगा और उतना ही नीचे खसकेगा जितना इसमें आप जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर 4 इसमें ऐड हो रहा है तो ये जो यहाँ ओरिजिन पर था वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ वो खसक करके नीचे आ जाएगा और इतना खसकेगा और ये ग्राफ खसक करके 4 यूनिट नीचे आ जाएगा, मतलब ये 0 माइनस 4 हो जाएगा, ये पॉइंट डोमेन आर होगा, डोमेन आर इसलिए
क्या होगा कि फंक्शन पॉलिनोमियल है और इसका रेंज जो होगा माइनस फोर से बड़ा होगा या माइनस फोर के बराबर होगा, मतलब माइनस फोर से प्लस इंफिनिटी के। एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। एफ एक्स को वाई माने तो एफ एक्स को वाई माने तो वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, ये थ्री इधर जाएगा तो वाई माइनस थ्री इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ जो होगा वो नीचे खसकेगा तीन यूनिट। डोमेन आर पॉलिनोमियल फंक्शन है, रेंज माइनस थ्री से प्लस इंफिनिटी, क्योंकि वाई का वैल्यू माइनस थ्री से नीचे नहीं हो सकता, मतलब वाई का वैल्यू माइनस थ्री या माइनस थ्री से। देखिए एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है, एफ एक्स को वाई मानेंगे तो वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री होगा, थ्री इधर जाएगा तो वाई माइनस थ्री इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ होता है, वाई में घटाने पर ये ग्राफ ऊपर जाता है। तो ये ग्राफ जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, तो इस ग्राफ में ये ग्राफ ऐसे हो, जीरो थ्री तो डोमेन आर और रेंज जो होगा वो थ्री से इन्फिनिटी होगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो तो नीचे से जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर नीचे खा सकता है। तो जीरो माइनस फोर, इसका डोमेन आर होगा, रेंज माइनस फोर से इंफिनिटी होगा। क्यूबिक फंक्शन क्यूबिक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये क्यूबिक फंक्शन भी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो क्यूबिक फंक्शन भी एक प्रकार का क्यूबिक फंक्शन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल होगा, डोमेन इसका आर होगा, रेंज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। और इसका ग्राफ खींचेंगे ग्राफ से भी बता सकते हैं कि फंक्शन का जो डोमेन होगा। देखिए x के वैल्यू को डोमेन करते हैं, x के वैल्यू को डोमेन करते हैं, इस x के वैल्यू, इस x के हर पॉइंट पर ग्राफ है, इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो r होगा। r रेंज भी देखिए y के हर पॉइंट पर y आपका ग्राफ है, इसलिए रेंज भी इसका r होगा। क्यूबिक फंक्शन का डोमेन भी आ रहा है, क्यूबिक फंक्शन का रेंज भी आ रहा है। एक्स क्यूब प्लस वन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन का डोमेन बताना। डोमेन आर, डोमेन इसलिए आर की फंक्शन पॉलिनोमियल,
डोमेन आर अरेंज भी आर, मतलब क्यूबिक में किसी भी प्रकार का इक्वेशन हो उसका डोमेन भी आर अरेंज भी आर। ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन, वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन, वाई को इधर ले आएंगे वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ कितना है देखिए। यहां पर देखिए एक्स क्यू का वाई इक्वल टू एक्स क्यू, यहां पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू लिखा हुआ है, एफ एक्स को वाई मान लेंगे तो वाई इक्वल टू एक्स क्यू हो जाए। तो ये जो ग्राफ हमने दिखाया है आपको ये वाई इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ है और ये ग्राफ ओरिजिन पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स क्यू। तो ये जो ग्राफ होगा यहाँ ओरिजिन पर था और वन यूनिट घटा रहे हैं, ये पॉइंट खसक के वन यूनिट ऊपर चला जाएगा, मतलब वाई इक्वल टू एक्स क्यू वाई इक्वल टू एक्स पर पावर थ्री का ग्राफ खींचते हैं तो ओरिजिन से करता है पास, और यहाँ पर वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ है तो ये जो ग्राफ ओरिजिन पर पॉइंट था वो खसक करके ऊपर चला गया। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वन का ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वन, वाई प्लस वन इक्वल टू एक्स। देखिए y में घटाते हैं ऊपर जाता है, जोड़े के नीचे आ जाएगा, मतलब y प्लस वन ये ग्राफ जीरो माइनस वन पर आ जाएगा। अब आप इस दोनों फंक्शन देखिए इसका डोमेन रेंज हो गया, इसका भी डोमेन लिखेंगे तो आर होगा, डोमेन आर इसलिए होगा कि फंक्शन डोमेन भी आर होगा और रेंज भी आर। मैं आपको बताया था कि किसी भी प्रकार पॉलीनोमियल फंक्शन क्यूबिक पॉलीनोमियल फंक्शन, फंक्शन कैसा हो क्यूबिक पॉलीनोमियल, मतलब मैक्सिमम पावर वन हो उसका डोमेन भी आ रहा है रेंज भी आ रहा है। आइडेंटिटी फंक्शन, इस फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, दिस फंक्शन दिस फंक्शन ये कॉल्ड इस फंक्शन का नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यदि फंक्शन आइडेंटिटी है तो डोमेन क्या होगा, तो चूंकि देखिए आइडेंटिटी फंक्शन भी पॉलीनोमियल फंक्शन है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स है ये वन डिग्री का पॉलीनोमियल है, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, मतलब रेंज भी आर। तो आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन भी आर और रेंज भी आर, और आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ कितना होगा, एफ एक्स इक्वल टू इक्वल टू एक्स का ग्राफ कितना है, तो एफ एक्स को मान लेंगे वाई, तो वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचेंगे और y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होगा वो पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट। इस ग्राफ को देख के भी आप बता सकते हैं कि फंक्शन का जो डोमेन होगा वो बार होगा और इस फंक्शन का रेंज होगा वो भी क्या होगा। ग्राफ ऑफ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स एक्स
also find its domain and range. Fx equal to minus x square fx equal to minus x square का ग्राफ कितना है, fx equal to minus x square का ग्राफ कितना है और इसका डोमेन और रेंज बताना है। तो fx equal to minus x square fx को y मान लेंगे, y equal to minus x square, फंक्शन का डोमेन R होगा और डोमेन R इसलिए होगा कि फंक्शन पॉलीनोमियल है और इसका जो रेंज होगा वो माइनस इंफिनिटी टू जीरो होगा। और इस फंक्शन का जब ग्राफ खींचेंगे एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, आपने इसको मान लिया वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, अरे दिमाग में बैठाइए कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। तो ये ग्राफ होगा, यदि y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो ये ग्राफ होगा, ग्राफ नीचे की ओर बढ़ जाएगा। fx equal to minus x square plus 1, fx को y मान लेंगे, y equal to minus x square, y minus 1 equal to minus x square। देखिए y equal to minus x square का ग्राफ अभी मैंने आपको बताया इस प्रकार का होगा, और यदि y में घटाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हो, इसका डोमेन भी बता सकते हैं, डोमेन R होगा, R इसलिए होगा कि फंक्शन जो है वो पॉलीनोमियल फंक्शन, इसका रेंज बताएंगे माइनस इस वीडियो का कुछ भाग जो है वो 5 मिनट का वीडियो बना हुआ है, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो है। तो यदि इसको पढ़ने के लिए इस वीडियो को फर्स्ट में आप उस वीडियो को देख करके देख लेंगे, वो 5 मिनट्स का वीडियो है, उसके बाद मतलब तो उस वीडियो को भी वीडियो दोनों को लगातार यह ध्यान करिए, पहले उसको देखेंगे क्योंकि उस वीडियो में स्क्वायर फंक्शन के बारे में बताया गया और स्क्वायर फंक्शन का कुछ पार्ट जो है इसमें भी है, इसलिए आप दोनों वीडियो को ध्यान से देखेंगे और तब उसके बाद स्टार्ट करेंगे।